अरे यार, काफी दिनों से कस्टमर का मैसेज आ रहा है यार, मुझे 1 लाख रुपए के अंदर पीसी बना के दो किशन भाई। 1 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपए से 1 रुपए भी मैं ज्यादा नहीं दूंगा। मेरा 1 लाख के अंदर एक पीसी बना के दो, अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं एक की जगह दो खरीद लूंगा, लेकिन 99,990 में दे दो, 1 लाख रुपए से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं देना। सो बेसिकली उसको 1080p गेमिंग करना था, थोड़ा सा एडिटिंग भी करना है, ग्राफिक कार्ड 4060 लूँ या 3060 लूँ, उसको काफी कंफ्यूजन था। उसने बोला कि यार मुझे 4060 की जगह 3060 ही दे दो। सो हमने तो कन्विंस किया 4060 लेने के लिए, कस्टमर ने बोला 3060 ही चाहिए, मतलब फुल स्टॉप। सो ये फुल पीसी 100K के अंदर बनता है, जो है ये लुक्स के साथ। स्पेशली कस्टमर का यही लुक्स के अंदर केस चाहिए था, इसलिए हमने यही कूगर की तरफ से आने वाला ओरस वाला हमने केस यूज किया। केस के अंदर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, साइड में आरजीबी का बटन वगैरह रहता है, फैन कंट्रोलर वगैरह सभी सब कुछ रहता है। अभी आते हैं मेन प्रोसेसर। प्रोसेसर हमने यूज किया है इंटेल की तरफ से आने वाला 14400F सीरीज का प्रोसेसर। भाई 12400 आप देख ही रहे थे, 13400 देख ही रहे थे, 14400 को भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटेल की तरफ से आने वाला एक यूनिक प्रोसेसर है जो एक प्राइस टू परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। रैम 16GB 16GB की दो रैम स्टिक यूज किए हैं, जो आती है 6000 MHz के अंदर। जी स्किल की है, कस्टमर को ज्यादा आरजीबी से आउटर लुक में थोड़ा सा आरजीबी दिखाना था, कस्टमर के ड्रीम के हिसाब से हमने बिल्ड किया। अगर आप आरजीबी भी लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा में आपको आरजीबी रैम भी मिल जाती है। स्टोरेज के मामले में एमएसआई की तरफ से आने वाली 461 जेन 4 एनवीएमई एसएसडी यूज की है, काफी अच्छी एसएसडी है, 5000 तक की रीड एंड राइट स्पीड मानी जाती है, उसके अलावा 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है। टीबीडब्ल्यूपी भी काफी अच्छा है, बेस्ट इन प्राइस टू परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। कस्टमर ने बोला है कि मुझे आप मदरबोर्ड जो है ना एसुस का ही दो, क्योंकि मैं एसुस का काफी पुराना कस्टमर हूं, मुझे आसुस का B760MA वाईफाई दे सकते हो। सेम यही नाम से और भी ब्रांड्स के अंदर मॉडल आते हैं, लेकिन उसने बोला कि यार जो आसुस के अंदर जो मुझे पसंद आया है, नेक्स्ट जनरेशन की प्रोसेसर कंपेटेबिलिटी और उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी, उसके अलावा VRAM, और मुझे जो सालों से यूज कर रहा हूँ तो आसुस का मदरबोर्ड ही पसंद है, तो B760MA वाईफाई वाला मदरबोर्ड यूज किया। इसके अंदर बायोस भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटो बायोस अपडेटेड आता है। प्रोसेसर के साथ में स्टॉक कूलर आता है, उसने बोला है मुझे लिक्विड कूलर वगैरह नहीं लेना है, इन फ्यूचर में भी नहीं लगाना है, मुझे तो एयर कूलर ही दो। इवन आप AG 400 प्लस सीरीज का वो वाला या फिर कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला ये एयर कूलर दो, जो है 620S सीरीज का एयर कूलर, ड्यूल फैन विथ ड्यूल चैम्बर के साथ में आता है, काफी प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छा वाला एयर कूलर बोल सकते हैं। पावर सप्लाई भी कई सालों से यूज कर रहा हूँ, मेरा प्रीवियस जो पीसी है ना 8 साल पहले लिया था, उस टाइम कूलर मास्टर का जो आता था ब्रॉन्ज रेटेड वगैरह नहीं था मेरा पावर सप्लाई, वही पावर सप्लाई का ब्रांड चाहिए कूलर मास्टर का। सो 650 वॉट्स का हम MWE लिया है, सदियों तक चलने वाला पावर सप्लाई है भाई, 5 साल वारंटी के साथ में आता है कूलर मास्टर 650 वॉट्स पावर सप्लाई। उसके अलावा RTX ग्राफिक कार्ड कोई भी 12GB का ले लो, इवन आप जो आपका पसंदीदा ब्रांड गीगाबाइट हमेशा आपके वीडियो में आप प्रमोट करते हो, काफी अच्छी ब्रांड है। मॉनिटर भी मुझे गीगाबाइट का चाहिए, सो ग्राफिक कार्ड भी मुझे गीगाबाइट चाहिए, RTX 3060 12GB रैम के साथ में। केस कूगर का एक बजट इकोनॉमिकल ये वाला केस हमने यूज किया, जिसके अंदर फ्रंट मेश रहता है, हमने दो फैन उसने बोला कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने इंस्टॉलेशन कर दिया, बैक एग्जॉस्ट फैन, इसके अलावा एक मैकेनिकल कीबोर्ड, इवन इसके अंदर आप कोको स्पोर्ट का ले सकते हो, एंटी स्पोर्ट का ले सकते हो या जेब्रोनिक्स का ले सकते हो। कस्टमर ने दो कीबोर्ड चूज किए, एक तो एंटी स्पोर्ट का और एक कोको स्पोर्ट का, उसमें जो पसंद आएगा नेक्स्ट उसने उसके फ्रेंड्स को भी वही रिकमेंड करेगा। सो कोको स्पोर्ट का हमने कीबोर्ड और माउस भी दिया है मैकेनिकल। सो आपको ये पूरा पैकेज 100K के अंदर ये भी मॉनिटर वगैरह सब कुछ आएगा। इसके अलावा आपको मॉनिटर आएगा गीगाबाइट की तरफ से आने वाला G24F2 मॉनिटर, भाई 165 हर्ट्ज के अंदर IPS पैनल वाला बेस्ट इन क्लास मॉनिटर बोल सकते हैं, 3 साल वारंटी के साथ में आता है। इसके साथ में उसको हमने विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करके दिया है,
और ये पीसी के अंदर अगर 12 जनरेशन वगैरह करते हैं तो प्राइस और भी कट ऑफ हो जाता है, लेकिन उसने बोला है कि मुझे प्राइस कट ऑफ नहीं करना है। सेकेंडरी स्टोरेज भी उन्होंने लिया है, सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे उन्होंने लिया है 1 TB Seagate WD Toshiba, आपको जो चाहिए वो ब्रांड ले सकते हो। सो ये ओवरऑल पैकेज 100K के अंदर है। अगर आपको भी ये पीसी बिल्ड कराना है तो भाई देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन पे और ऑन स्क्रीन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करो, ये पीसी को अपना बना के लेके जाओ।